नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वजह में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं सैमसंग का फ्रिज, और उसका आज मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह का कैसा है। तो आज वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले ये जो हैवी चीज़ है इसको आपको काट के हटाना पड़ेगा, आपको बहुत टाइट है, इसको काट के हटाना पड़ेगा। दूसरा का भी आप हम ऐसे कर लेंगे, इसको दोनों को काटने के बाद आपको इसे कुछ इसे उठा लेना है। इस तरह से आपको ये उठा देना है। तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, और पूरा जाली टाइप का बना रहता है, लेकिन इसमें नहीं बना रहेगा। इसमें आपको इस तरह का ये सेपरेट होगा, जब आप दीवार दीवार साइड में भी लगा के रखेंगे तो इसमें तो ये पूरा सेपरेट है। और ये नीचे में आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ये पावर केबल, और ये नीचे में ये इसका मोटर। तो ये थोड़ा सा इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया ये सेपरेट के लिए। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा घुमा के वैसे आपको फ्रंट का मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये आपको मैं इसको आप दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग। तो इसको आपको ये चीज है इसको हटा देते हैं, और कुछ अच्छा लग रहा है। ये आपको नीचे में ये शीशे का भी लगेगा, और चीज में प्लास्टिक होता है ये थोड़ा सा। एक बार दिखा कूलिंग का सिस्टम, यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लास्टिक ऊपर से वाले पानी का बोतल, इसके लिए यहाँ पे आपको ये नीचे में आपको आलू प्याज रखने का ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या आलू प्याज रख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत अच्छा है कि आलू प्याज रखने पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमने तार इसमें फिट कर दिया है, और अब जाके इसे हम ऑन करेंगे।